सभी सम्मानित इस पूरे परिवार के, मतलब मैं तो गोंडा परिवार में कार्यक्रम विभाग जो है वो उसकी बहुत अभूतपूर्व योगदान है। तो इस पूरे परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन करूँगी। और आपकी ऊर्जा को लेकर के जो मुख्य विकास अधिकारी महोदया ने अपने उद्बोधन में बात कही है, उस ऊर्जा के संचरण के लिए एक बार दोबारा से जोरदार तालियों का आह्वान करूंगी। मंच पर आसीन विकास की धारा को बहुत मजबूती से गति दे रही हमारी मुख्य विकास अधिकारी महोदया इस विभाग को अपना एबल लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले 5 महीने से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और मेरे आने के शायद 1 महीने बाद आपने अपॉइंट किया है यहाँ पर बीपीओ का। सभी अंतर विभागीय समन्वय के लिए जिम्मेदार यहाँ पर उपस्थित सीएमओ महोदया, डीपीआरओ साहब, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, सभी सहयोगी डॉक्टर साहब भी और देखने एडिशनल सीएमओ साहब, सहयोगी संस्थाओं से उपस्थित यूनिसेफ के प्रतिनिधि डॉक्टर दीदी, कार्यक्रम के सुशील जी, सभी सीडीपीओस उपस्थित, सुपरवाइजर्स, और आज इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जो संवाद का रूप दिया, इसको एक कार्यशाला भी कह सकते थे, लेकिन संवाद कार्यक्रम को आप लोगों ने धरातल पे उतारा और एक संवाद की जो श्रृंखला बनी जिसमें आप लोगों ने अपनी बातों को रखा, हमारी यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो हैं आपकी समस्याओं को रखा, अपने व्यवहारिक पक्ष को रखा, तो संवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि ये कार्यक्रम आप लोगों ने अभी सुना, न केवल ये मोटिवेशन तक सीमित है, न केवल ये आज उन सभी लोगों को जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनके सम्मान को समर्पित है, बल्कि हर एक बहन जो गांव के सुदूर अंचलों में पोषण की इस अलग को अपने कार्य से, अपने कार्य रूपी योगदान से अभिभूत कर रही है, उस मातृशक्ति का वंदन का समय, शक्ति के वंदन का समय है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा रखी है वो निरंतर बहुत सारे विभागों के साथ संवाद हुआ, और जो ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट जिस पर अभी सीडीओ साहब ने भी एक प्रकाश डाला था, उस ट्रिपल ए के कड़ी में आशा बहनों का, आशा एएनएम्स के साथ भी यहाँ पर एक संवाद हुआ था,